दोस्त, ओलंपिक 2020 में भारत को नीरज चोपड़ा ने पहला गोल्ड मेडल दिलाया है, जिसके बाद से वो हर जगह सुर्खियों में छाए हुए हैं। दोस्तों, अभी तक भारत के पास 9 गोल्ड मेडल थे, लेकिन 10वां गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीत करके दिला दिया है। और दोस्तों, जैवलिन थ्रो की कैटेगरी में पहली बार किसी भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है, और इसी वजह से नीरज चोपड़ा की इस जीत ने एक हिस्ट्री बना दी। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीरज चोपड़ा की लाइफस्टाइल के बारे में, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में। तो अगर आप लोग भी दोस्तों उनके गोल्ड मेडल जीतने की खुशी से खुश हो, तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 24 दिसंबर 1997 में हरियाणा में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था, और वो अभी 23 साल के हैं। नीरज चोपड़ा दोस्तों एक गरीब फैमिली से हैं, और उनके पापा किसानी करते हैं। और बचपन में जब नीरज चोपड़ा 11 साल के थे, तो वो काफी मोटे हो चुके थे हेल्थ में। तो उनके चाचा ने, मतलब उनके अंकल ने, उनको फिट रहने के लिए उनको खेल कूद का सहारा लेने की राय दी। और फिर उसके बाद नीरज चोपड़ा पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में खेल कूद करने के लिए जाने लगे। अब वहां पर जाने के बाद उनका जो फेवरेट खेल था वो क्रिकेट था, लेकिन वहां पर वो जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करने वाले लोगों को देखते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि मैं भी ये कर सकता हूँ और मैं इनसे अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर होना क्या था, फिर उसके बाद नीरज चोपड़ा को इस चीज़ में इंटरेस्ट आ गया और वो इसके प्रैक्टिस करने लग गए। और फिर उन्होंने कई बार इस खेल में कई बार इनाम भी जीते हैं, कई बार अवार्ड भी उनको मिले हैं। नीरज चोपड़ा ने 2012 में पहली बार मेडल जीता था एथलेटिक्स में। फिर उसके बाद 2016 में IAAF अंडरवर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 86.48 मीटर दूर भाला फेंक करके दूसरा गोल्ड मेडल जीता था, और इसी अचीवमेंट की वजह से उनको जूनियर कमीशन आर्मी ऑफिसर की सरकारी जॉब दी गई इंडियन आर्मी की तरफ से। अब नीरज चोपड़ा की सरकारी जॉब लगने के बाद उनकी फैमिली काफी खुश थे, और वो भी काफी खुश थे, और उन्होंने अपने वीडियो में कहा भी है कि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी माँ एक हाउस वाइफ है, और मेरी फैमिली में आज तक किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं रही है। अब दोस्तों, आर्मी में इनकी जॉब लगने के बावजूद भी इन्होंने अपनी प्रैक्टिस चालू रखी, और दोस्तों उसी प्रैक्टिस का नतीजा है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक में इन्होंने पूरी ताकत से 87.58 मीटर दूर भाला फेंक करके इंडिया को पहला गोल्ड मेडल दिलाया, जिसके बाद उनके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं और पूरी दुनिया में उनको प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों, बात करें नीरज चोपड़ा की फैमिली के बारे में, तो यहाँ पर फैमिली की फोटोस आप लोग देख सकते हो, ये इनकी फैमिली है, इनके माता पिता हैं। दोस्तों, बात करें अगर नीरज चोपड़ा की इनकम के बारे में, तो नीरज चोपड़ा की पर मंथ सैलरी 50,000 रुपए है, लेकिन उनके घूमने फिरने का खर्च, जो भी मतलब के प्रैक्टिस के लिए जो भी चीज चाहिए होती है, उनका सारा खर्च हमारी गवर्नमेंट उठाती है। वहीं दोस्तों, बात करें नीरज चोपड़ा के हाउस के बारे में, तो आप सभी को पता है कि नीरज चोपड़ा पहले गरीब घर से थे, उनके पापा किसान थे, तो अभी उनका घर जो है पहले से काफी मतलब के बढ़िया हो चुका है। नीरज चोपड़ा ने इतना नाम और इतना पैसा कमाने के बाद उन्होंने अपने खुद का एक बहुत ही बड़ा घर भी बनाया है, जहां पर उनकी फैमिली रहती है, और ये कुछ फोटोज में आप लोग उनका घर और उनकी फैमिली की फोटोज देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, बात करें नीरज चोपड़ा की कार कलेक्शन के बारे में, तो गाइस, नीरज चोपड़ा की कार कलेक्शन के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कहीं पर भी कुछ भी बताया नहीं है, और कहीं पर भी कोई भी चीज पोस्ट भी नहीं। लेकिन दोस्तों, नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल लाने के बाद यहां पर नीरज चोपड़ा को बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, जो कार कंपनियां हैं, वो उन कार कंपनियों ने नीरज चोपड़ा को अपनी कार गिफ्ट में देने का ऐलान कर दिया है, और कई बड़े बड़े मतलब कि चेन्नई सुपर किंग इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और कई बड़े बड़े लोगों की तरफ से नीरज चोपड़ा को 2-2 करोड़ या 3-3 करोड़ देने की घोषणा भी कर दी गई है। तो ये था दोस्तों नीरज चोपड़ा का बायोग्राफिक और लाइफस्टाइल वीडियो। आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और नीरज चोपड़ा की गोल्ड लाने की खुशी में अगर आप भी खुश हो, तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।